कोई पागल आ, पता नहीं की लुका रही है अपनी बुक्कल अंदर। ये गल्ला मेरे कन्नी पईयां जदों मैं अपने दफ्तर जा रहा सी। एक सड़क दे बड़े पुल हेठां भीड़ जमा सी। आउंदे जांदे लोग वेखदे ते कुछ कु उत्थे ही खड़े वेखी जांदे। मैं पुछिया तां कहिंदे कोई पागल लगदी आ, एवें लगदा चोरी करके आई आ किधरों, अपनी बुक्कल अंदर लुका के बैठी है, कुछ दसदी भी नहीं है। मैं भी वेखण लई उतावला हो गया। अधगड़ उम्र दी औरत नंगे पैर बैठी सी बुक्कल मार के, वाल खिलरे सन, कोल एक बिस्कुट का पैकेट ते कुछ टॉफिया सन। मैं उसनू बड़े गौर नाल वेख्या, जिमें वह इस भीड़ तो डरी होवे। मैं डरदा डरदा उस औरत वल थोड़ा अगे वध्या। मैं उसनू कुछ खाण लई फड़ाया तो उसके चेहरे ते मुस्कुराहट आ गई। मैं उसनू पुछया, की ना है तेरा? वह मेरे मूँह वल झाकी ते कुछ ना बोली। मैं फिर उसनू कहा, इन्नी ठंड है, तू सिर ते टोपी भी नहीं पाई, तेरे पैर भी नंगे ने। वह फिर भी कुछ ना बोली। मैं फिर उसनू कहा, आ बुक्कल अंदर की लुका के बैठी है, दिखा ता की है तेरे कोल। उसने मैनू चुप रहण दा इशारा कीता ते नाल ही बुक्कल हौली जे खोली ते मैं देख के हैरान रह गया। वह औरत ता अपने निक्के जे बच्चे नू अपनी छाती नाल लगा के बैठी सी, जो गूढ़ी नींद सुत्ता पिया सी। अपने बच्चे नू नेग दे रही सी, घुट रही सी कि किते ठंड ना लग जावे। ये सब वेख लोग अपने अपने रस्ते तुर गए। भावें औरत पागल सी, पर माँ की ममता उस औरत दे विच्चों झलक रही सी। आप ठंड विच बैठी सी ते बच्चे नू नेग दे रही सी। मैं ये सोच उतों निकल गया, जिमें कुदरत की बुक्कल विच सारी दुनिया समेटी हुंदी है, उस तरह एक माँ ने बुक्कल विच बच्चे नू समेटिया होया सी।